हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तुबा दुरानी की रसोई में खुश आमदीद कहती हूँ और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैं अपना दूसरा वीलॉग बनाने जा रही हूँ। मैं आज आपको दो जगहें बताऊँगी। एक है नर्सरी यानी फूल पौधे, जहाँ पे हम ये जाकर सर्च करेंगे कि हम कौन से पौधे हमारे घर में रख सकते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि घरों में पौधे रखना भी एक सोच समझ के रखना पड़ता है, क्योंकि पौधों में भी जो मक्खी और वो तो कीड़े वगैरह होते हैं उसकी वजह से। एक वीडियो हम वो बनाएंगे और एक हम जा रहे हैं बर्ड मार्केट, यानी एनिमल्स, पैट एनिमल्स, और किस तरह हम उसकी टेक केयर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आई होप आज की भी वीलॉग आपको बहुत पसंद आएगी और आप इंजॉय करेंगे। चलिए फिर हम चलते हैं। व्यूअर्स, ये पूरी नर्सरी है फूल और पौधे वगैरह। यहाँ पे आपको हर तरह के प्लांट्स मिलेंगे, यानी हर तरह के पौधे मिलेंगे, एरोवेरा या जिस भी टाइप के आपको पौधा चाहिए, जो आप घर में डेकोरेट भी कर सकते हैं, जिन्हें प्लांट्स के उसमें दिलचस्पी है और वो घरों में रखते हैं प्लांट्स, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। हम अभी आपको और प्लांट्स के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ शारजा में किस तरह के प्लांट्स लोग घरों में रखते हैं। देखिए, ये बेलकनीस वगैरह में हम प्लांट्स को लगा सकते हैं और यहाँ पे इस तरह मिलते हैं प्लांट। इन प्लांट्स की बात ये होती है कि ये प्लांट्स जलते नहीं हैं फौरन, और इस प्लांट्स का ये होता है कि इसमें बग्स वगैरह का मसला इतना नहीं होता। तो ये इस तरह के प्लांट्स यहाँ घरों में अक्सर बेलकनीस में मिलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो एरिटेशन सा नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आपको एक और प्लांट्स बताऊंगी। ये देखिए, ब्रिंजल प्लांट्स यानी बैंगन का प्लांट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंगन भी लटक रहा है। इस तरह के प्लांट्स ही लोग घरों में यहाँ पे रखते हैं। ये किन्नू का है, जो बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। और ये जो प्लांट्स है, इसका ये होता है कि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो हमारे डेकोरेट्स कहा जाता है उसमें ही प्लांट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि फंगस का मसला नहीं होता और इसमें इरिटेशन नहीं होती। व्यूअर्स, देखिए, इस तरह के ना गमले होते हैं, वास वगैरह जो होते हैं, इस तरह ये डेकोरेट किए जाते हैं घरों में। और इस तरह के जो प्लांट्स आपको को पता होगा जो होते हैं, ये प्लांट्स वगैरह, और इस तरह हमारे जो बने हुए होते हैं खूबसूरत खूबसूरत से। ये देखिए, इस तरह के होते हैं वास, जिसमें हम अपने प्लांट्स को सजाते हैं। ये देखिए, आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए नींबू। व्यूअर्स, ये देखिए नींबू। बहुत अच्छी प्लांट्स है, बहुत अच्छा होता है कि घर में प्लांट्स सजाने चाहिए, इससे थोड़ा टेंशन दूर होता है और अच्छा लगता है कि घर में प्लांट्स होते हैं तो इंसान को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। व्यूअर्स, आपको मैं बता रही थी कि बेडरूम्स में जिस तरह के हमको ना प्लांट्स रखने चाहिए, वो इस तरह के होते हैं व्यूअर्स प्लांट्स। आप ये देख रहे हैं, छोटे छोटे ये होते हैं। ये इन्हीं घर में रखने का ये होता है कि इरिटेशन नहीं होती, दिमाग रिलैक्स होता है,
जब इंसान सोने के मूड में होता है तो अच्छी नींद आती है, इनके जो ऑक्सीजन वगैरह होते हैं उससे, और बहुत अच्छा फील होता है। और इस तरह से हमें छोटे से, आई नो कि ये इतना बड़ा नहीं है कि जिसे इरिटेशन, और हम आराम से इसे रख सकते हैं। सो वी वर सम पहुंच चुके हैं बर्ड एंड एनिमल्स मार्केट में, तो चलिए आए हम अंदर चलते हैं। ये देखे पैक एनिमल्स यानी बिल्लियाँ कैसे सो रही है। ये पेट एनिमल्स के क्लिनिक्स एंड ब्यूटी शॉप्स वगैरह भी यहीं पर अवेलेबल है, जहाँ अपने पेट एनिमल्स को दिखा सकते हैं। और ये रहा ब्यूटी शॉप, आप यहाँ पे अपने पेट एनिमल्स को खूबसूरत बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये बैक साइड पर ही आपको ये मार्केट मिलेगी, यहाँ पे बहुत अवेलेबल तरीके से मिल जाते हैं परिंदों के घर वगैरह, परिंदों के बाजरे वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं। और ज़्यादातर जो लोग यहाँ से बर्ड्स वगैरह खरीद के जाते हैं, वो यहाँ से ही दाना और घर वगैरह खरीदते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किएगा। अल्लाह हाफिज़।